बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास टेंथ न्यू लाइट एंड जनरल इंग्लिश बुक का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस उसकी एक्सरसाइज 8 का ट्रांसलेशन इस वीडियो में करेंगे। देखो, ये एक्सरसाइज 8 है आपकी, पेज नंबर आप देख लो 256 है। जैसे सेंटेंस है, मैं शाम को बाजार नहीं जाता हूँ, है ना, जिसमें नेगेटिव का मतलब होता है नहीं, जहाँ नहीं हो, है ना। और प्रेजेंट से कैसे पता चला, हूँ है ये सब लगाओ तो प्रेजेंट होता है, मतलब आज का काम हो रहा है। और जब नेगेटिव के सेंटेंस होते हैं तो डू और डस से बनता है। डू डस, डू ज़्यादा के साथ लगता है और डस कम के साथ यूज होता है। जैसे मैं ज़्यादा होता है तो मैं के साथ मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ डू लगाओगी, फिर लगा दो आई डू नॉट। अब आई डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डू नॉट गो टू, कहाँ जाना है, गो टू द मार्केट, ना एम ए आर के ई टी, मार्केट कब जाना है, शाम को, यानी इन द इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी, इन द इवनिंग। नेक्स्ट देखो, वह कभी भी स्कूल देरी से नहीं जाता है। लड़का है तो ही लिख दो। देखो, ही अब कभी के लिए नेवर यूज कर लो, एन ई डब्ल्यू ई आर, है ना, ही नेवर। अब जाने के लिए देखो, ही नेवर गोज टू, कहाँ जाना है उसको, ही नेवर गोज टू स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल। अब स्कूल कब नहीं जाता है, देखो लेट, तो ही नेवर गोज टू स्कूल लेट। वह कभी भी स्कूल देरी से नहीं जाता है। मोहन कभी सत्य नहीं बोलता है। कभी जहां लगेगा बच्चों, वहां नेवर यूज होगा, है ना। तो मोहन, एम ओ एच ए एन, मोहन नेवर, अब बोलने की इंग्लिश टेल्स, मोहन अकेला है ना, तो यहाँ एस लगा दो। जब ज्यादा हो तब तो देखो आपके साथ, भैया इधर ज्यादा होगा तो इधर कम होगा, इधर कम होगा तो इधर ज्यादा होगा, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगल होगा तो यहाँ प्लूरल बन जाएगा। मोहन नेवर टेल्स द ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सत्य, टी आर यू टी एच, ट्रुथ। तुम अपना पार्ट याद नहीं करते हो, तुम की इंग्लिश होगी यू, यू। अब यहाँ देखो, कभी नहीं है ना, तो डू डू या वो लगाओ, डस लगाओ। अब तुम के साथ तुम को ज़्यादा मानते हैं तो ज़्यादा के साथ डू लगता है। यू डू नॉट लर्न, लर्न किसका, अपना पार्ट, यानी लर्न योर लेसन। यहाँ देखो, अपने के लिए यू, अपना के लिए योर क्यों यूज हुआ, क्योंकि एक कह रहा है दूसरे के लिए, है ना, इसलिए यूज हुआ। अगर मेरा होता तो माई यूज होता। फिर यह बढ़ई सुंदर मेज नहीं बनाता है, तो यह बढ़ई, यह की इंग्लिश होती दिस, बढ़ई की इंग्लिश होती कारपेंटर, दिस कारपेंटर। हम अकेला है ना, तो दिस कारपेंटर डज, अकेले के साथ डज नॉट लगेगा। डज नॉट बनाने की इंग्लिश हो गई मेक, दिस कारपेंटर डज नॉट मेक। अब सुंदर मेज का ब्यूटीफुल, टी आई एफ यू एल ब्यूटीफुल, टेबल टी ए बी एल ई टेबल। फिर राम कठिन परिश्रम नहीं करता है, तो राम अकेला है ना, अकेले के साथ डज लगाओ, राम डज नॉट। अब कठिन परिश्रम की इंग्लिश हो गई वर्क हार्ड, डब्ल्यू ओ आर के वर्क, एच ए आर डी वर्क हार्ड। ये लड़के मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये लड़के है ना ज़्यादा है, तो दीज बॉयज, टी एच ई एस ई दीज, बी ओ वाई एस दीज बॉयज। अब ज़्यादा के साथ डू नॉट, दीज बॉयज डू नॉट खेलने के लिए प्ले फुटबॉल। कहाँ खेलते हैं, मैदान में, यानी इन द फील्ड, एफ आई ई एल डी फील्ड। हम खेत नहीं जोतते हैं, हम की इंग्लिश होती है वी, वी ज्यादा माना जाता है तो वी के साथ डू नॉट।
वी डू नॉट प्लो द फील्ड, फील्ड मतलब खेत, एफ ई आई एल डी फील्ड। ईमानदार आदमी झूठ नहीं बोलते हैं, ईमानदार आदमी यानी ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है ना, तो एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट मैन इसके साथ देखो यानी ईमानदार आदमी, ज्यादा आदमी के लिए बोला जाना, कोई एक तो ईमानदार होता नहीं इसलिए डू लगा दो। ऑनेस्ट मैन डू नॉट लाई, ऑनेस्ट मैन कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जब तो भी ईमानदार होंगे तो एक ही तो ईमानदार होता नहीं है ना। अच्छे लड़के शोर नहीं मचाते हैं, तो गुड बॉयज ज्यादा है तो बॉयज और ज्यादा के साथ डू लगता है। गुड बॉयज डू नॉट मेक नॉइज, अच्छे लड़के शोर नहीं मचाते हैं। बच्चों अगला, इसके बाद अगला मैं आपको ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और पॉजिटिव सेंटेंस एक्सरसाइज 10 कंप्लीट करवाऊंगी, तो अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना, जैसे जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपके फ़ोन पे अपलोड हो जाए, तुरंत आ जाए। बाय बच्चों।